सर माइग्रेंट्स जो थे उनको भेजने की पूरी प्रक्रिया जो है वो की जा रही है मुंबई पुलिस की ओर से, कैसा पूरा प्रोसीजर होगा? गृह मंत्रालय भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जो आदेश आए हैं उसके अनुसार मुंबई पुलिस में ऐसे जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जो समूह हैं, जैसे कि माइग्रेंट वर्कर, टूरिस्ट, पिलिग्रिम, स्टूडेंट या ऐसे कोई भी व्यक्ति जो महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं और अपने होम स्टेट जाना चाहते हैं वापस, ऐसे सभी लोगों के लिए मुंबई पुलिस में प्रत्येक डीसीपी, जोनल डीसीपी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इस प्रक्रिया के लिए, इस में लोगों को सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए एक आवेदन पत्र बनाया गया है जो कि लोकल पुलिस स्टेशन से आप कलेक्ट कर सकते हैं या फिर डाउनलोड करके खुद भी भर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो ग्रुप में जाना चाहते हैं। इस आवेदन पत्र का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है, इसमें आपको अपनी सभी डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आपके नाम, ग्रुप लीडर, प्रत्येक समूह का दो ग्रुप लीडर ऐसे नियुक्त किए गए हैं, और इनकी डिटेल्स, आपका पता, आपका आधार कार्ड या कोई भी फोटो आईडी कार्ड, आप कहाँ जाना चाहते हैं, गंतव्य, इसकी जानकारी आपको इसमें देनी पड़ेगी। इसके साथ ही जब आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे अपने पुलिस स्टेशन पे, वहाँ आपको उससे पहले रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि एक सर्टिफाइड रजिस्टर्ड चिकित्सक, उसके द्वारा आपके पास इशू किया हुआ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें ऐसा नमूद होना चाहिए कि आपको इन्फ्लुएंजा के कोई भी सिम्टम्स नहीं है। इसके साथ ही आप अगर व्हीकल से जाना चाहते हैं तो उस व्हीकल की डिटेल्स, ड्राइवर का नाम, लाइसेंस नंबर, ये सब आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो वो आप इसमें अंकित कर सकते हैं, और उसके बाद आपको अप्रूवल जब आएगा, ये सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होके स्टेट के नोडल अधिकारी के द्वारा संबंधित राज्य के नोडल अधिकारी के पास जाएगी। वहाँ से जब अप्रूवल आएगा उसके बाद ही आपके ग्रुप को महाराष्ट्र से अपने होम स्टेट जाने की परवानगी दी जाएगी। इस परवानगी के साथ आपको ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो सर्टिफिकेट है वो अपने साथ रखना है, और आपके जो व्हीकल है वो प्रॉपरली सैनिटाइज होना चाहिए, इसकी जवाबदारी ग्रुप लीडर के ऊपर रहेगी। मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरें और अपने पुलिस स्टेशन में सबमिट करें। ये प्रक्रिया करते समय सभी लोगों को पुलिस स्टेशन पे आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्रुप लीडर सभी का नाम इकट्ठा करके सबका फॉर्म भरवा के ये अपने पुलिस स्टेशन में जमा कर सकते हैं। स्पेशल ट्रेन्स के बारे में मेरा अपील यही है कि अभी ये जो प्रक्रिया है इसमें विदाउट परमिशन आपको महाराष्ट्र स्टेट में कोई भी ट्रेन में बैठने नहीं दिया जाएगा। जिनके पास वैलिड टिकट है वही जा पाएंगे, इसलिए कृपया किसी भी रेलवे स्टेशन पे आप भीड़ ना करें। जब तक आपके पास परमिशन लेटर नहीं होगा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, इसलिए संयम बरतें, एप्लीकेशन भरें और वेट करें। आपका जो प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण करने की कोशिश की जाएगी।